नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होना है। राजस्थान में वैसे तो सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, भले ही दोनों पार्टियां जीत का दम भर रही हैं, लेकिन दोनों ही दलों को दो बातों की चिंता सता रही है। एक तो बागी उम्मीदवार और दूसरी चिंता वो छोटे दल हैं जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। कहने को तो ये छोटे दल हैं, लेकिन राजस्थान की सियासत में ये बड़ा धमाका करने की कुव्वत रखते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ सीधी टक्कर है। ये दोनों ही पार्टियों के बीच में ऐतिहासिक रूप से टक्कर होती आई है, लेकिन बागी उम्मीदवार और छोटे दलों ने इनकी चिंता बढ़ा दी है। 200 सीटों में से 50 सीटों पर नतीजे इनसे प्रभावित हो सकते हैं। अगर हम 2013 की बात करें, तब तो बीजेपी को यहाँ पूर्ण बहुमत मिला था, बम्पर बहुमत मिला था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, जो बहुमत का ही आंकड़ा, यानी उससे भी एक कम। और गहलोत को निर्दलियों और छोटे दलों का यहां पर पिछली बार सहारा लेना पड़ा था, लेकिन बाद में जो बगावत हुई और जो बीएसपी के विधायक टूट करके आए, उसके चलते उनकी सरकार बची। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों की नजरें इन छोटे दलों पर टिकी है, क्योंकि नतीजे अगर मनमाफिक नहीं आए तो छोटे दलों के हाथ में सत्ता की चाबी आ जाएगी। वैसे तो 2013 में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला था, लिहाजा वहां इन दलों की भूमिका नगण्य हो गई थी, लेकिन पिछले चुनाव की तस्वीर अलग थी। आइए आपको बताते हैं कि 2013 और 2018 में छोटे बड़े दलों के खाते में राजस्थान में कितनी सीटें आई थी और इसका सरकार बनाने पर क्या असर पड़ा था। तो 2013 की बात करें तो बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, जबकि 18 में 73, कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी केवल 13 में, और पिछले चुनाव में 100 सीटें। लेकिन जो खेल था पिछले चुनाव में वो हुआ था निर्दलियों का, जिन्हें 13 में तो 7 ही सीटें मिली थी, लेकिन 18 में 13 सीटें मिली थी। बीएसपी को 3 तब मिली थी, पिछली बार 6 मिली, जिनमें से कि ये सारे विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आरएलटीपी पिछली बार 3 लाई, बीटीपी 2 लाई, ये आखिरी वक्त तक अशोक गहलोत का समर्थन करते रहे। सीपीएम को 2 सीटें मिली, इन्होंने भी गहलोत सरकार का समर्थन किया। आरएलडी को 1, इस बार भी जो है 1 सीट कांग्रेस ने अपने खाते से दी है। एनपीईपी को कोई सीट नहीं मिली थी, जबकि 13 में इनको 4 मिली थी। एनयूजेडीपी को पिछली बार 2 मिली थी, पिछली बार 0 मिली थी, और 2013 में इनको 2 सीटें मिली थी। तो ये आंकड़ा बताता है कि किस तरह से राजस्थान में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनकी भी ताकत है। तो निर्दलियों और छोटे दलों का सीटों का गणित तो आपने देख लिया, लेकिन सीटों की कहानी पूरी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। चुनाव में वोट प्रतिशत भी मायने रखता है। कई बार वोट शेयर सत्ता समीकरण को बिगाड़ और बना सकता है। यही कारण है कि निर्दलीय और छोटे दलों की अहमियत बढ़ जाती है। अब जरा निर्दलियों और छोटे दलों के वोट शेयर पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट शेयर था वो मामूली अंतर था। पिछली बार निर्दलियों को करीब 9.5%, बीएसपी को 4, आरएलपी को करीब 2.5%, सीपीएम को करीब 0.25%, बीटीपी को 0.72% और अन्य के खाते में करीब 4% आंकड़ा आया था। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जो इन अन्य के खाते में जाता है, और इसीलिए जब सीट में जीत और हार का अंतर मामूली होता है, तब ये जो पार्टियां हैं इनको जो वोट मिलता है उसके चलते परिणाम बदल जाता है। तो चाहे इनके खाते में सीटें कम आए, लेकिन इनके वजूद को कोई भी पार्टी नकार नहीं सकती, क्योंकि अगर जनादेश स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर सत्ता का खेल इन्हीं छोटे दलों के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ एक दूसरा बड़ा फैक्टर राजस्थान में है, वो है महिला मतदाताओं का। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे किए हैं। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि राजस्थान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से लगातार बढ़ रही है। तो राजस्थान में जो चुनाव कल होना है, कुल मतदाता की संख्या यहां पर 5,27,00,000 है, इनमें 2,52,00,000 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का 48% है। तो 48% यहां पर महिला मतदाता हैं, और जैसा हमने बताया आपको कि आंकड़ा जो है इनका लगातार बढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो महिलाओं ने राजस्थान में पुरुषों की तुलना में अधिक वोट डाला था। ये बड़ी बात है कि यहां पर जो कुल मतदान हुआ था वो 74% था, महिलाओं का प्रतिशत 74.67% था और पुरुषों की संख्या 73.09% थी। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो राजस्थान में देखने में आ रहा है, और किस तरह से बढ़ रहा है ये आंकड़ा अगर हम तुलना करें 2013 से, जब कुल मतदान 75.04% हुआ था और तब महिला मतदाताओं की संख्या 74.67% थी
और पुरुषों की संख्या 75.44%। तो यानी यहाँ मामूली अंतर था जो 2018 में 5 साल बाद बढ़ गया और महिलाएं पुरुषों से आगे हो गई। राजनीतिक पसंद क्या है महिलाओं की, वो किस पार्टी को वोट देती है और पार्टियां कितनी महिलाओं को टिकट देती हैं, ये भी एक नज़र डाल लेते हैं। CSDS लोकनीति ने एक सर्वे किया था 2018 के विधानसभा चुनाव में, उसमें उन्होंने ये पाया था कि कांग्रेस और बीजेपी को महिलाओं ने बराबर बराबर यानी 40-40% वोट दिया था, यानी उनकी जो पसंद थी वो बराबर से बट गई थी। जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने 47% बीजेपी को और 34% कांग्रेस को वोट दिया था। शायद यही कारण है कि आपने जो 13 का नतीजा देखा था जब बीजेपी को बम्पर बहुमत राजस्थान में मिला था, और बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में 20 और कांग्रेस ने 28 महिलाओं को टिकट दिया है। जबकि 2000 पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 23 और 27 महिलाओं को टिकट दिया था 2018 में। तो ये भी एक आंकड़ा है जो बताता है कि महिलाओं की संख्या को देखते हुए किस तरह से राजनीतिक दल उन्हें टिकट दे रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोनों ही फैक्टर्स पर बात करने के लिए। सबसे पहले श्याम जी मैं आपसे बात करूंगा महिला फैक्टर पर, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक थी, और हमने जब दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र या गारंटी आप जिन्हें जो भी कहें उनको अगर देखेंगे तो महिलाओं पर खासतौर से फोकस भी किया गया है। अखिलेश जी बात सही है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही महिलाओं को फोकस करके चुनाव इस बार दोनों ने एक ने संकल्प पत्र जारी किया है और एक ने जन घोषणा पत्र जारी किया है महिलाओं को, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आपने बताया कि महिलाओं की संख्या अभी भी ज्यादा है और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो महिलाओं ने 1% ज्यादा वोट कास्ट किया था, तो इस बार भी अगर महिलाओं का वोट कास्ट ज्यादा होता है। लेकिन देखिएगा इस बार जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं तो हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए। अब भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कहा जा रहा है चुनाव जा रहा है, लेकिन उनका चेहरा घोषित करके नहीं चुनाव लड़ा जा रहा। बीजेपी ने भी कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा पहले घोषित होने वाली बात हो रही थी, लेकिन जब जाते जाते चुनाव चरम पर आया तो प्रधानमंत्री का मेरा चेहरा नहीं कमल का चेहरा होना चाहिए और सब जगह जीतने जो, और उन्होंने युवाओं को एक नया जिम्मेदारी देने का काम किया। जहां भी वो गए जनसभाओं में गए तो उन्होंने एक कहा कि मेरा एक निजी काम करना, और निजी काम क्या बताया उन्होंने कि सबके घर जाना और बड़े बुजुर्ग महिलाओं को मेरी राम राम कहना। अब देखिए युवाओं को साधने की बात, युवाओं को 62 लाख से अधिक वोट है इस बार युवाओं के, और जो लोग युवाओं को और महिलाओं को साथ ले लेंगे वो तो चुनाव जीत करके सामने आ जाएंगे। जो स्थिति आपने कहा बार बार जिस प्रकार से कि 163 जब सीटें बीजेपी ने जीती थी नेतृत्व तो महिला का था, महिला का नेतृत्व तो इस बार नहीं है, इसलिए महिलाएं क्या जा पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मार्मिक अपील की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शासन में महिलाओं को हम पूरी सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा देने के साथ साथ जो उन्होंने शांति धारीवाल का नाम लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया कि किस प्रकार का व्यक्ति है और वो टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है, तो जिस प्रकार से देखिए कि प्रधानमंत्री की निश्चित रूप से अगर बयार नीचे तक जाती है तो भाजपा का भला हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल। दूसरा विषय जो आपने शुरुआत में उठाया था श्याम जी, उस पर भी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, लेकिन छोटी पार्टियां निर्दलीय और साथ साथ बागी, इनका फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 में तो ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और खासतौर से तब जबकि सचिन पायलट ने बगावत की थी तो गहलोत की जो नैया थी उसको किनारे लगाने में इनकी एक बड़ी भूमिका थी। देखिए अखिलेश जी आपने सही कहा कि हमारे यहाँ बागी ज्यादा खड़े हो गए, बीजेपी के बागी ज्यादा हैं, कांग्रेस के बागी कम है, वहां पर करीब 32 खड़े हैं और इनके यहाँ, लेकिन बीजेपी के जीत के आने वाले बागी कम लग रहे हैं मुझे, 4-1, 3-4 से बागी जीत के नहीं आएंगे। लेकिन जो जिस प्रकार से इस पर बटके चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के भी बागी बहुत सारे हैं, वसुंधरा जी के भी बागी बहुत सारे हैं, अब दोनों बहन भाई का जो रिश्ता कई बार हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध है, ये पीछे से पर्दे के पीछे से किस तरह का गुल खिलाएगा अभी पता नहीं, क्योंकि स्पष्ट बहुमत अगर बीजेपी को मिल जाता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। जब 95 से और 96-98 अगर पार्टी को किसी को मिलती है तो फिर ये बहन भाई का रिश्ता कहाँ किधर क्या काम करेगा पता नहीं, क्योंकि छोटी पार्टियों का निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आपने देखा कि 10% से ज्यादा
ले जाते हैं, हमारे यहाँ 15% करीब होता है निर्दलीय। देखिए भी वैसे 20% है, लेकिन वो बागी है 10%। 10% में बाकी की पार्टियां सब निबट जाती है, जिसमें बीएसपी भी है, राष्ट्रीय इस लोकतांत्रिक बार तो पार्टी हनुमान भी है। बेनीवाल भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए हनुमान बेनीवाल तो पहले भी चुनाव लड़ते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सांसद का चुनाव नहीं जीतूंगा तो कम से कम विधायक तो बन जाऊं, और खींवसर से निर्दलीय भी लड़ चुके हैं, लेकिन वहां अभी संघर्ष में फंस गए हैं। वहां बहुत अच्छा नहीं क्या हनुमान बेनीवाल बड़े आराम से जीत रहे हो, इसलिए वो अपने क्षेत्र में पहुंच गए। और जिस तरह से जी देखिए कल मैंने देख रहा था, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट पे पथराव कर दिया, एक स्थिति बदलाव हो रही है। क्या पता चुनाव हारने में भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लोग ये निमटाने में भी देर नहीं लगाते। और जिस प्रकार से देखिएगा कि हमारे यहाँ ज्योति मिर्धा भी नागौर से चुनाव लड़ रही है, तो जिस प्रकार से बीटीपी, देखिए बीटीपी की बजाय अब वो भारतीय ट्राइबल पार्टी बन गई है, और उन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं, कम उम्मीदवार खड़े हैं। और मेरे को लगता है कि जो आदिवासी इलाका है, जी श्याम जी, उदयपुर बांसवाड़ा और उधर की तरफ है, वहां पे थोड़ा बहुत अस्तित्व है। उन्होंने करीब 17 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जीतेगा तो अगर एक जीत जाता है तो ठीक है, लेकिन जीतना मुझे आसान अब लगता नहीं। आरएलपी 3 जीती थी पहले, अब क्या 4 जीतेगी या 5 जीतेगी, इससे ज्यादा जीतने की स्थिति नहीं बिल्कुल बन क्या गई है। होता है 12 जगह ये संघर्ष कल जीते थे राजस्थान का उसमें कर रहे हैं। मतदाता अपनी पसंद ईवीएम में डाल देगा। बहरहाल आपका शुक्रिया। छोटी पार्टियों के बारे में जो आपने समझाया हमें, निर्दलियों के और बागियों का क्या महत्व है राजस्थान की राजनीति में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। इधर दूसरा बड़ा मुद्दा क्या आया है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, वो है कैश और शराब और साथ साथ सोना चांदी, इन तमाम चीज़ों की बरामदगी। अगर 5 बड़े इन तमाम राज्यों की बात कर लें तो बड़े पैमाने पर कैश और शराब बरामद हुआ है। चुनाव आयोग ने ये जानकारी साझा की है। इन 5 राज्यों को अगर पूरा आंकड़ा मिला दिया जाए तो 1,760 करोड़ रुपए की नकदी और बाकी चीजों की बरामदगी का आंकड़ा सामने आया। अपने आप में यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2018 से अगर इसकी तुलना करें तो यह 7 गुना ज्यादा बरामदगी की गई, यानी ज्यादा सख्ती इस बार चुनाव आयोग की ओर से की गई है, यह इससे बिल्कुल साफ पता लग रहा है। बरामदगी के मामले में तेलंगाना और राजस्थान सबसे ऊपर है, वहां सबसे ज्यादा कैश और बाकी चीजों की बरामदगी की गई है। अगर तेलंगाना की हम बात करें तो यहां पर कुल 659 करोड़ की बरामदगी हुई है, जिसमें 225 करोड़ रुपए जो है वो नकदी का है। 191 करोड़ जो यहां पर सोना और चांदी उसे बरामद किया गया। वहीं 130 करोड़ रुपए की तेलंगाना में ड्रग्स भी बरामद की गई है। 86 करोड़ रुपए की शराब तेलंगाना में बरामद की गई है। साथ ही 52 करोड़ रुपए का अन्य सामान भी यहां पर बरामद किया गया है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहां पर कल वोट डाले जाने हैं, यहां पर 650 करोड़ रुपए की कुल बरामदगी हुई है। इसमें नकदी जो है वो 93 करोड़ की है, और साथ ही सोना चांदी जो है वो 73 करोड़ रुपए का राजस्थान में है। शराब 51 करोड़ है, तो वहीं ड्रग्स 91 करोड़ है, और अन्य सामान 341 करोड़ का राजस्थान में बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर चुनाव हो चुका है, यहां पर 33 करोड़ रुपये नकदी, सोना चांदी 84 करोड़ रुपये का, शराब 69 करोड़ रुपये की, ड्रग्स 15 करोड़ का, और अन्य सामान करीब 120 करोड़ का बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ में 20 करोड़ रुपए नकदी, सोना चांदी 20 करोड़ रुपया, शराब 69 करोड़, ड्रग्स 4.5 करोड़ और अन्य सामान 26 करोड़ रुपए का यहां पर बरामद हुआ है। मिजोरम की बात कर लेते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ड्रग्स 30 करोड़ रुपए की कीमत आंकी गई है, इतनी बरामद हुई है। वहीं शराब 5 करोड़ रुपए की और अन्य सामान 15 करोड़ रुपए की यहां पर बरामदगी हुई है। तो यह है एक तस्वीर जो बताया था कि किस तरह से हमारे चुनावों में धन बल का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब ड्रग्स ये तमाम चीज़ें भी जो है इनका खुलकर प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग की सख्ती के कारण इस बार इसमें ज्यादा असर देखने को मिला है। राज्यों की जंग में वक्त एक ब्रेक का। राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सभी दलों ने अब तेलंगाना का रुख कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज निजामाबाद में रैली कर केसीआर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केसीआर किसी भी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। ये तेलंगाना में बीआरएस सरकार ने 10 साल में तेलंगाना को बिल्कुल बर्बाद कर रख दिया।
इन्होंने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादों पर केसीआर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, एकमात्र काम किया है केटीआर के लिए हजारों करोड़ रुपए का करप्शन करने का काम इन्होंने किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना के पलाकुर्ति में रैली की। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर केसीआर सरकार को घेरा। मेहनत करने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, पेपर देने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक हो जाते हैं, उसमें करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो आगे की उम्मीद क्या रख सकते हैं, आशा क्या हो सकती है नौजवान की? आपके प्रदेश में जो सरकार है वो आपके भविष्य को खारिज करती है। यहाँ तेलंगाना के लिए हमारी एक योजना है, एक विजन है कि किस तरह से हम तेलंगाना प्रदेश के युवाओं को मजबूत बना सकते हैं। जिस तरह आपके आज पेपर लीक हो रहे हैं उस समस्या को हल करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं, 2 लाख रोजगार आपको दिलवाएंगे जिस तरह से हमने राजस्थान में दिलवाए हैं। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।